फरीदकोट में राहुल गांधी ने बादल सरकार के साथ पंजाब कांग्रेस की गुटबाजी पर भी निशाना साधा, कहा गुटबाजी के कारण सत्ता से हुए बाहर। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी कोटकपुरा के गांव सरावा में बेअदबी मामले में मृतक के परिवार के प्रति जताई उन्होंने संवेदना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सोनीपत में देश की तीन बड़ी परियोजनाओं का करेंगे शिलान्यास। सोनीपत में पीएम मोदी की रैली में बारिश डाल सकती है खलल, 3 बजे तक होनी है रैली। सुप्रीम कोर्ट ने सीएम वीरभद्र की आय से ज्यादा संपत्ति मामले को दिल्ली हाई कोर्ट में किया ट्रांसफर। पीएम मोदी की महत्वाकांक्षी आदर्श ग्राम योजना को लेकर हरियाणा के विधायक दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हैं। जी पंजाब हरियाणा हिमाचल की खबर का असर, कुरुक्षेत्र के गेहूं घोटाले में इंस्पेक्टर समेत 7 अधिकारी सस्पेंड। चरमराने लगा हरियाणा का 20,000 करोड़ रुपए का बासमती चावल उद्योग, नहीं मिल रही है बासमती की सही कीमत। दंगल में दिल्ली के एक युवक को सेल्फी लेने की भारी कीमत चुकानी पड़ी, युवक सेल्फी लेने के चक्कर में नहर के किनारे पहुंचा और सेल्फी लेते वक्त उसका पैर फिसल गया, वो नहर में जा गिरा। ₹70 लाख की लागत से तैयार होशियारपुर के दसगुया में 3 एकड़ भूमि में एक विशाल सार्वजनिक हॉल, बदहाली का हो रहा शिकार। रोहतांग पास पर हुई ताजा बर्फबारी में फंसे 200 से ज्यादा सैलानी, 10 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद सुरक्षित निकाले गए। पंजाब के किसानों ने मुआवजे के लिए फिर खोला सरकार के खिलाफ मोर्चा, भारतीय किसान यूनियन समेत कई किसान संगठन 6 नवंबर तक प्रदेश भर में करेंगे सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जींद की नई अनाज मंडी में 1 दिवसीय धरना दिया। हरियाणा सरकार ने आईएएस अधिकारी अशोक खेमका को राहत दी, पूर्व कांग्रेस सरकार के दौरान खेमका के खिलाफ दी गई चार्जशीट को ड्रॉप किया। हरियाणा के पूर्व विधानसभा स्पीकर और गन्नौर से कांग्रेस विधायक कुलदीप शर्मा को मोबाइल फोन पर अज्ञात शख्स ने जान से मारने की धमकी दी। कोल ब्लॉक आवंटन केस में नवीन जिंदल पर बहस पूरी, नवीन जिंदल की कंपनी जीएसपीएल पर आरोप तय करने को लेकर आज भी होगी बहस। छात्र संगठन एसएफआई ने रूसा शिक्षा प्रणाली के खिलाफ 6 नवंबर को शिक्षा बंद का ऐलान किया। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के 38वें इंटर जोनल यूथ फेस्टिवल का आयोजन किया गया, इस मौके पर हरियाणा पुलिस अकादमी मधुबन के आईजीपी ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। श्रीनगर के मैसूमा में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान हुर्रियत नेता हिलाल बुआत को गिरफ्तार किया गया। जम्मू शहर में 9 नवंबर को खुल रहे वार्षिक दरबार की तैयारियां जोरों पर, सड़कों को ठीक किया जा रहा है। कश्मीर में ऊंचाई वाले इलाकों में हिमपात और मैदानी इलाकों में हुई बारिश के चलते प्रदेश में तापमान गिरा। शिमला में महिला सशक्तिकरण के लिए खास कार्यक्रम का आयोजन। दीपावली का मौसम है, लोग खरीदारी में जुटे हैं, इसी बीच सोना खरीदने के इच्छुक लोगों के लिए खुशखबरी है, सोने के दाम 25,230 रुपए प्रति 10 ग्राम है। पीएम मोदी दुनिया के 9वें सबसे ताकतवर इंसान, फोर्ब्स मैगजीन ने जारी की लिस्ट। सरकार ने पहली बार सोने के सिक्के जारी किए, पीएम मोदी अशोक चक्र वाले इंडिया गोल्ड कॉइन को उन्होंने किया लॉन्च।